हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आ रहा हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गो। इसको मैंने ओपन कर लेना अपनी पिक्सार एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। ये हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लूँगा। तो मैंने अपने बैकग्राउंड को कर लिया ओपन, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा यानी कि एडिट कर लूँगा। अब मैं चलूँगा एफएक्स में, इधर आऊँगा ब्लर में, नीचे ब्लर, और ब्लर में जाके हल्का सा ब्लर इतना इनक्रीज कर दूँगा। डन डन करने के बाद मैं जाऊंगा एफएक्स में, और इधर आऊंगा कलर्स में, और ह्यू में आऊंगा, और इसका मैंने कलर चेंज करना है, ठीक है, जो मुझे कलर ठीक लगा, ये ठीक है। इसको इधर मर्ज करके इसकी सैचुरेशन को मैं बढ़ा दूंगा। फिर से जाऊंगा कलर रिप्लेसमेंट में और इसका कलर रिप्लेस कर दूंगा। इधर ठीक है, ठीक है। ये कलर सेट करने के बाद मैं जाऊंगा टूल्स में और एडजस्ट में, ब्राइटनेस को बढ़ा दिया, क्लैरिटी को बढ़ा दिया, ह्यू में आके इसको थोड़ा सा रेड टून दे देंगे, ठीक है। ये मैं रेड टून क्यों दे रहा हूँ ये मैं आपको समझा दूंगा अभी। अब मैंने क्या करना, सिंपली मैं जाऊँगा ऐड फोटो में, अपनी पिक्चर को मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। अपनी पिक्चर को मैंने ऐड कर लिया, इसका मैंने करना है बैकग्राउंड चेंज। तो मैंने इसका सिंपली पहले से बैकग्राउंड चेंज करके रखा हुआ है। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उधर से जाके आप इसका वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इधर जाऊँगा मैं स्टिकर्स में, और इधर माई स्टिकर कटआउट, और अपनी पिक्चर को यानी कि मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने अपनी पिक्चर को ऐड कर लिया, तो ये हमारी पिक्चर ऐड होगी मैंने सिंपली डन करके। अब मैं जाऊंगा ऐड फोटो में, और ये फ्लाइंग लूडो की यानी कि जो वो इनकी पीएनजी है, इसको मैं ऐड करूंगा और ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर दूंगा। स्क्रीन करने के बाद इसकी चलूंगा मैं इसकी मैं ह्यू में जाऊंगा, बल्कि एडजस्ट में एफएक्स में आ गए। एफएक्स में आने के बाद इसकी सैचुरेशन को मैं इंक्रीज कर दूंगा। अब देखते हैं थोड़ा सा यानी कि शोमिंग हो रहा है, ठीक है। तो अब जाऊंगा एडजस्ट में और ब्राइटनेस को कम, क्लैरिटी को बढ़ा दिया, ह्यू को हमने रेडी रखना है, ठीक है, ताकि हमारा बैकग्राउंड से थोड़ा सा मैच हो। हाइलाइट्स को कम को भी कम, ताकि ये ना थोड़ा सा शोविंग हो जाए। डन डन करने के बाद मैं फिर से जाऊंगा ऐड फोटो में, और इसी पीएनजी को हम फिर से ऐड करेंगे, ठीक है। इधर इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लेंगे स्क्रीन, ठीक है, और इसको मर्ज कर देंगे। मर्जी करने के बाद अब फिर से मैं क्या करूँगा, ऐड फोटो में जाऊँगा और इसी पीएनजी को मैं फिर से ऐड करूँगा, और इस बार यानी कि जो मैं है ना वो ये पीएनजी मैं ख़ुद बना लूँगा, ये देखें, क्योंकि वो ज़रा शोर नहीं हो रहा, इसीलिए ये पीएनजी मैंने बना लिया। तो इरेजर में जाके बाकी सबको मैं इरेज कर दूंगा। इसके ब्लेंडिंग मोड को मैं कर दूंगा स्क्रीन, ये सामने वाला जरा दिखना जरूरी है, बाकी तो कुछ नहीं।
इसको भी रहने देते हैं, डन कर देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं जाऊँगा टूल्स में, एडजस्ट में, और ब्राइटनेस को हल्का सा कम, क्लैरिटी को बढ़ा देते हैं, और ह्यू को देख लेते हैं, ह्यू को इधर सेट, और हाइलाइट्स को कम, शेडोज को कम, टेम्परेचर को मैं इतना कर दूंगा, ठीक है। अब इरेजर में जाके जो यानी कि इफेक्ट हमारे फेस पे आ रहा है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो ये भी रिमूव कर दिया, ठीक है, यानी कि जो हमारी बॉडी पे आ रहा है पार्ट के ऊपर वो हमने रिमूव कर देना है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं एक्सेस में जाके इधर से सैचुरेशन को मैं बढ़ा कर डन, तो सिंपली फिर से एफएक्स में जाएंगे और इधर एफएक्स में आके एचडीआर में आएंगे और फेड को 80 के राउंड बाउंड करके पिक्चर को कर देंगे डन। तो ये देखें हमारी पिक्चर बहुत ही ऑसम लुक दे रही है। अब हमारा एक काम रह गया, एफएक्स में जाएंगे और इधर विंटेज का एक वो है विग्नेट का इफेक्ट, उसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये रहा, तो ये वाला अप्लाई करने के बाद ये देखें हमारी पिक्चर बहुत ही ऑसम लुक दे रही है। अब क्या करूँगा, मैं सिंपली जाऊँगा ड्रॉ टूल में और 3 डॉट क्लिक करूँगा सेम इमेज। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी मैंने आज की इस पिक्चर में स्टॉक वगैरह यूज़ किए हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उधर से जाके इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।